मेरा घर है यहाँ पे और हम लोग फार्मिंग करते हैं बेसिकली। अभी जैसे मैं बात करूँ इस गांव का नाम जैसे क्यारी है, तो ये गांव जो है ना पूरा चारों ओर से जंगल से लगा हुआ है, ठीक है। और जहाँ पर हम रह रहे हैं ये इसका अगर उस सब का साइड देखें हम लेफ्ट साइड, तो पूरा वो साइड पूरा फॉरेस्ट है। तो बेसिकली होता क्या है कि रात को जो भी हम क्रॉप यहाँ पर उगाते हैं, जो भी चाहे गेहूँ हो, धान हो, या मस्टर्ड हो, या फिर मक्का हो, कुछ भी हम उगाते हैं, तो वाइल्ड लाइफ क्या है उनको रात को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, उसको लाइक उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, पूरा खा जाती है। लाइक इवन एलिफेंट है, डियर्स है, वो सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ देखो आप, यहाँ बहुत सारे डियर्स आए हुए पूरे उनके हुक में। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमको जो है मचान बनाना पड़ता है, और हर क्रॉप की हमको गार्डिंग करनी पड़ती है, नाइट गार्डिंग स्पेशली। तो इसी को देखते हुए कि हमको जब घर वाली बनाना ही पड़ता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा टेम्परेरी एक मचान बनाऊँ जो कम से कम थोड़ा सा टिकाऊ हो, और जहाँ पे लोग आकर के जो है एक्सपीरियंस भी कर पाएँ वाइल्ड लाइफ को और रूरल लाइफ को साथ के हाथ, वो जो है इसी जरिए जो हमारी क्रॉप गार्डिंग भी होती रही। आपको मैं दिखाऊँ कि हमारा मचान कैसा है, आप देख सकते हैं। सिर्फ आप देखेंगे यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, हम लोग के मचान से अलग है एकदम, ऊपर जाकर के तो कुछ भी अटैच नहीं। तो ये हमारा टॉयलेट बाथरूम है, जिसके अंदर आप देखोगे कि इस तरफ टॉयलेट सीट लगी हुई है, और एक छोटा सा वॉश बेसिन है आप हैंड वॉश के लिए, और ये टॉयलेट और बाथरूम एक्चुअली कम्बाइंड है। इधर आप बकेट रखी हुई है, आप टैप लगा हुआ है, ऐसे रनिंग वाटर है, और लेकिन गर्म पानी ओनली कोल्ड वाटर है, गर्म पानी यहाँ पे नहीं है, गर्म पानी बाहर से हम कर करके अंदर यूज कर सकते हैं। एक्चुअली पर्पज ये था कि दो बनाऊं, कि एक में जिसमें इस मचान में जो रुकेंगे जो भी लोग वो इसको यूज करें, और जो लोग उस वाले मचान रुकेंगे वो उस तरफ से एक और टॉयलेट। इसमें लाइटिंग के लिए हमने एक छोटा सा बल्ब दिया हुआ है, इसका स्विच भी है आउटसाइड। इसमें पूरा ये सारा काम जो हुआ है मचान का ये मैंने खुद ही किया है, मतलब इनफैक्ट मेरे साथ और मेरे दो तीन फ्रेंड थे जिन्होंने मेरे को हेल्प किया, और कुछ गाँव के कुछ लोग थे इन्होंने मेरे को ये सारी चीज़ें करने में हेल्प करी। तो इसमें यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे दो पेड़ भी हैं, ये वाला जो पेड़ है ये जामुन का पेड़ है, ये वाला okay. तो जामुन के पेड़ को भी इनफिन हमने इसमें कनेक्ट किया, तो ये भी पूरा एक पोल का काम कर रहा है इस मचान में। और इस तरफ आप ऊपर आएंगे तो आप देख पाएंगे ये इस तरफ जो है यहाँ कटहल का पेड़ है, इसमें इसका भी हमने सपोर्ट लिया है इसमें। और नीचे जो है नीचे फ्लोर में पूरा बेस में कुछ कुछ लकड़ी लगी है, इसमें कुछ सागौन है, कुछ अदर लकड़ी हैं जो भी हैं, जो मेरे पुराने जो मेरा घर था यहाँ पे, पहले हमारे पूरा हट थी ना, मड हट था पूरा, तो वो हमने तोड़ा, उसके बाद से हमने मकान बनाया। जब तो लकड़ी सारी बची हुई थी, वो लकड़ी काफ़ी टाइम से इवन थोड़ा बहुत गल भी गई पानी से, क्योंकि स्टोर नहीं कर पाया मैं प्रॉपर उसको, तो वो लकड़ी मैंने सारी इसमें यूज की है, रिसाइकल्ड है सारी। हाँ हाँ, इसके नीचे तो रिसाइकल किया है ऐसे करके, हो सकता है हम उसको जला भी सकते हैं, बट वो थोड़ा ठीक थी तो इसमें यूज किया। और इसमें ऊपर जो है इसको बोलते हैं फटेरा करके, घास होती है जो काफ़ी मॉइस्चर वाले एरिया में होती है, एक्चुअली यहाँ बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हुआ, तो ये वैसे मार्केट में मिलती है, मैं मार्केट से खरीद कर आया हूँ। इसके ऊपर जो है मैंने रूफ के जो पूरा घास इसलिए डाली क्योंकि वो होता क्या है यहाँ पे थोड़ा सीड है, सीड में वो घास जल्दी खत्म हो जाती है, इवन मेरे को साल में दो बार इसको रिकवर करना पड़ता है, पूरा दो बार डालनी पड़ती, तो इसलिए मैंने टिन डाले हैं ऊपर से, और वो ज़्यादा सेफ भी है। अंदर देखोगे तो अंदर यहाँ पे बहुत कम स्पेस है वैसे, लेकिन नाइट गार्ड करने के लिए काफ़ी स्पेस है, इवन हमारा जो मचान होता है उसमें तो और भी कम स्पेस होता है, लाइक 4x6 का टाइप, जिसमें कि आदमी कंफर्ट ना हो, ये फिर भी इस हिसाब से बनाया है कि लोगों को थोड़ा सा कंफर्ट तो चाहिए होता है रात को, है नहीं? तो यहाँ पर 2 से 3 लोग यहाँ पर सो सकते हैं, और चाहे तो रात को यहाँ रहने के लिए छोटी छोटी विंडो है जिनसे वो चारों ओर जो है टॉर्च मार के गार्डिंग भी कर सकते हैं और सेंस कर सकते हैं कहाँ वाइल्ड लाइफ क्या है, चाहे तो इसको बंद कर लें और इसको पूरा खोल सकते हैं। इस साइड ये ग्लास इसलिए लगाया है कि हम रात को अगर विंडो एकदम नहीं खोलनी है, हम यहाँ से अगर टॉर्च मारें तो हमको सामने खेत में पूरा नज़र आएगा कहाँ क्या वाइल्ड लाइफ है, और उसको जो है फिर थोड़ा हम शोर मचाते हैं या फिर गाधी गन के फायर करते हैं, उससे हम भगाते हैं जानवरों को। तो मैंने सोचा कि ये किसी को क्यों ना एक रोजगार की तरह अपने साथ जोड़ लूँ, और ऐसे करके क्रॉप भी हमारी बची रहेगी और लोगों को एक्सपीरियंस भी होगा, और बस यही जो है ऐसे करके क्रॉप भी हमारी बची रहेगी और लोगों को एक्सपीरियंस भी होगा, और बस यही जो है आगे को करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी टूरिज्म इतना बढ़ रहा है यहाँ पे, इतने सारे होटल खुल गए गांव में, सब कुछ हर
हर क्रॉप को, मतलब जो भी गांव में जो भी फसल हो रही है लोग उसकी गार्डिंग करते हैं रात को, और जो है हर जगह, इवन नील गाय है आपका, सामर डियर है, स्पॉटेड डियर है, वाइल्ड बोर है, एलिफेंट है, आपका पॉक्यूपाइन है, ये मतलब अलग अलग टाइम पर अलग अलग पर्टिकुलर जो क्रॉप्स है उसको खाने के लिए आते हैं, समझना। और ये थोड़ा सा इसको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये सारा बंद इसलिए किया है क्योंकि विंडोज भी बनाई है उस सारी चीज़, क्योंकि रात को जो आके रहेंगे लोगों को जनरली ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं होता है, बट वो यहाँ पे एक बेहतर एक्सपीरियंस के लिए आए, तो इसलिए सब कुछ मैंने किया हुआ। थैंक यू।